छोटी छोटी घटनाएं कहानी के अंदर आपको डालनी चाहिए, नहीं तो सपाट बयान नहीं होता। तो वो सीधा अंडा देने की बजाय ये सोच कर देता है कि ये मेरी पत्नी ने ये बात कही थी तो मैंने अंडा डाल दिया, और बड़ा खुश होता है। अब वो बच्चा अंडा लेके चलता है, अब बोरा तो उसका खाली, एक अंडा उसके हाथ में, उसे वो अंडा बचा के भी ले जाना है और बोरा भी भरना है। तो वो एक ढोल देखे आपने जिसमें कचरा डाला जाता है बड़े बड़े ढोल, तो ढोल के अंदर कूद के चला जाता है वो कचरा निकालने के लिए, और अंडे को उसके किनारे पे टिका के रखते हैं। और जब वो कचरा बीन रहा होता है अचानक उसको लगता है कि कोई साया आ गया, तो वो देखता है कि कुत्ता एक उछल के आ गया है और अंडे को सूंघ रहा है। अरे उसका तो प्राण सूख जाते हैं, अंडा तो उसके लिए दुर्लभ चीज है। अभी ये कुत्ते ने अगर जरा सा भी मुंह लगा दिया तो गिरेगा और टूट जाएगा अंडा। वो झपट के अंडा पकड़ता है और कूद के बाहर आता है। देखो बच्चों, अगर वो अंडा लेके सीधा घर चला जाए तो भी कहानी नहीं है, कहानी में घटनाएं आनी चाहिए। तो वो अंडा लेके बाहर कूदता है और फिर चलता है। अब वो देखता है कुत्ता तो पीछे छूट गया, फिर एक कचरे के जहाँ कचरा बहुत सारा बिखरा हुआ है वहां अपने मतलब की चीजें चुनने के लिए वो फिर रुक जाता है और अंडे को एक ईंट पे रख देता है कि अब कुत्ता भी नहीं है और ये अंडा सुरक्षित रहेगा और मैं अपना थैला भी भर लूंगा, इसमें कचरा भी आ जाएगा और शाम को बेच के उससे पैसा भी कमा लूंगा। मगर तभी उसको लगता है कि कोई चीज है जो घूम रही है आप, उसको दिखाई देता है एक चील घूम रही है। अब बच्चा पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्योंकि वो काम कचरा बीनने का करता है और छोटा है बहुत, 7-8-9 साल का, तो मगर इतनी समझ तो उसको है कि चील की जो नजर है बहुत तेज होती है और वो ऊपर से झपटेगी और इस अंडे लेके चली जाएगी। वो फिर अंडा उठा के वहां से भागता है, अंडा उसके लिए बड़ी दुर्लभ चीज है, वो किसी तरीके से उस अंडे को बचा लेना चाहता है घर तक और कचरा भी इतना बीन लेना चाहता है उसमें से चीजें ताकि कुछ कमाई कर। अब वो तीसरी जगह जाता है, फिर वो ढोल में घुसने की कोशिश करता है, मगर तभी ढोल के अंदर से कोई निकलता है जिसे देख के वो डर जाता है। वो एक तगड़ा सा लड़का है और ये लड़का उससे पहले भी कई बार उसकी पिटाई करके उससे कचरा छीन चुका है और उसको लगता है कि ये अब मेरे से अंडा छीन लेगा, तो वो भागता है। अब वो कहीं नहीं रुकता, खाली बोरा लेके भागता है और सीधा घर पहुंचता है। दो चीजें बेटा आपने समझी, पहली चीज जब वो अंडा दे रहा है उसको दुकानदार, तो सीधा नहीं दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक ट्विस्ट से घटना उसके बीच में आ गई। फिर वो अंडा लेके सीधा घर नहीं पहुंच रहा है, टुकड़ा टुकड़ा 2-3 छोटी छोटी और कहानियां उसमें जुड़ गई। अब वो घर पहुंच जाता है अंडा, उसकी माँ देखती है कि अरे ये तो अंडा ले आया, ये कई दिन से अंडा अंडा कह रहा था और बोरा इसका खाली है, इसका मतलब है कि इसने बोरे से जो 4-5 रुपए कमाए वो बेचकर वो देकर इसने अंडा खरीद लिया। तो वो पूछती है अंडा कहाँ से लाया, उसने कहा किसी दुकानदार ने दिया, मगर वो विश्वास नहीं करती। मगर अब मारेगी भी तो क्या होगा, अब पैसा तो वापस नहीं आएगा, अंडे अंडा तो आ ही गया। और उसकी एक छोटी सी बहन है घर में, और जब वो देखती है कि आज भैया अंडा लाया है तो उछलने लगती है, कुछ अस्पष्ट शब्दों में गीत गाने लगती है, गाने गाने लगती है उस अंडे के प्रशंसा कि मुझे अंडा आ गया आज हमारे घर, और खुश हो जाती है कि आज अंडा मिलेगा खाने के लिए। और उसकी माँ जो है, आपने देखा अंडे को कैसे बनते हुए देखा है, आप लोगों ने उबलते हुए देखा है या आमलेट बनते देखा है, कभी गरम राख में दबा के अंडे को पकते हुए देखा है, एक ये तरीका भी होता है। तो अब वो लोग तो ना उबाल ले सकते हैं
एक झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी क्या तिरपाल बांध दिया चार पेड़ों से, उसके बीच में रहने वाले वो कचरा बीनने वाले गरीब लोग, तो उनके यहाँ जो आग सुलग रही होती है वो अंडे को उसके अंदर दबा देते हैं, और जब अंडा उसके अंदर सिक जाता है ना रात के अंदर, तो आवाज़ आती है पटाख बड़े जोर की, तो पता लगता है कि हाँ अंडा हो गया, तो वो दबा देते हैं। अब वो लड़का थक चुका है भागते भागते भागते, इतना कभी नहीं भागा वो जीवन में, तो उस अंडे को बचाने के लिए उसको ले आया घर। तो अब उसको क्या ध्यान आता है, उसकी बहन गाना गा रही है, उसको लगता है कि घर का माहौल बदल गया, देखो अंडा आने से उसको थोड़ी तंद्रा आती है, हल्की सी नींद की झपकी लगती है, और उसको लगता है कि एक बोरा अंडों का भरा हुआ चला आ रहा है, उसमें से जर्दी निकल के बिखर रही है, और घर का माहौल इतना अच्छा हो गया है कि आज पिता घास भी नहीं रहे हैं, माँ डांट भी नहीं रही है, बहन रो भी नहीं रही है, एक अंडा आने से पूरे घर का माहौल जो है इतना अच्छा हो गया है, वो ये सपने में देखता है। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई बच्चों कि कहानी लिखते समय आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। लिखिए, ये नहीं कि यहाँ से सुनकर गए और कर, आप लिखिए, अभी आपकी प्रतियोगिता भी होगी उसमें भी आपने लिखना है, तो ये देखना है सपाट बयानी ना हो, हर चीज़ के पीछे कोई हल्की सी लॉजिक या कोई दूसरी घटना उसके साथ जोड़कर, ताकि वो रुचिकर बन सके कहानी, उबाऊ ना। तो ये इस तरीके से, फिर वो अंडे का तो जो होना है वो होना ही है, सबको पता है। तो इस तरीके से कहानी को आप उठाएं, इस तरीके से कहानी के अंदर घटनाओं का समावेश करते हुए उनको लिखें। दूसरी चीज, हमेशा याद रखिए, कल को आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, कल को तर्कशास्त्री बन जाएंगे, दार्शनिक बन जाएंगे, बड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी जगह लगेंगे, हो सकता है आप चांद पे पहुंच जाएंगे। जब आप चांद पे पहुंच जाएं आपको लगेगा, अरे जमीन से ये चांद इतना अच्छा लगता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे, धूल ही धूल। मगर तब भी बच्चों एक चीज याद रखना, दादी और नानी की सुनाई हुई वो कहानी कि जिसमें चांद के बीच में वो जो दाग है वो चरखा काटती हुई बुढ़िया है, इस चीज को हमेशा याद रखना, यथार्थ को एक तरफ कल्पना को, क्योंकि कल्पना वो आपके ये बचपन की कल्पनाएं हैं, ये आपके अंदर बचपन को बचाए रखेंगी, और यही बचपन आपको लेखक बनाएगा और आप लेखक बने रहेंगे। दूसरी चीज बच्चों, जो कागज आप तक पहुंचता है वो बहुत सरलता से आप तक नहीं पहुंचता, जिस पर आप लिखते हैं। एक पेड़ उसके लिए अपना बलिदान देता है, हजारों हजार हाथ उसके लिए काम करते हैं, तब वो कागज आप तक पहुंचता है। बहुत जरूरी है कि कागज पर आप जो भी लिखें अच्छा लिखें, ऐसा लिखें कि दूसरों को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। कागज की तासीर को अगर आप पहचान गए, कागज के आकर्षण को पहचान गए कोरे कागज के, तो समझिए आप लेखक बन गए। और लेखक बनने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है जज्बा, आपके यहां एक आग होनी चाहिए कि मुझे लेखक बनना है। और जब आप लिखें तो ये सोच कर लिखें कि जो आप लिख रहे हैं ये विश्व की श्रेष्ठतम रचना है। ये सोचकर मत लिखें कि अरे ये तो कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी, अरे ये मैंने क्या लिख दिया, नहीं, जो आप लिख रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखें, और आप देखें, इस बात से कभी लिखते हुए भ्रमित ना हो कि मेरी ये रचना उससे कम हो जाएगी या उससे कम हो जाएगी या पता नहीं इसकी कोई वक्त होगी या नहीं होगी। लिखते वक्त ये सोच के लिखें कि आप विश्व के सबसे बड़े लेखक हैं और आप सबसे महान रचना लिख रहे हैं, तभी आपकी रचना विशेष बन पाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आई मेरी बात? यस सर। कुछ पूछना चाहते हैं बाद में पूछिएगा फिर, ठीक है? ओके, थैंक यू।